हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोनिका डागरिया। मैं एक होम शेफ हूँ और आज मैं पार्ट ले रही हूँ मैडम होम शेफ साहिबा कॉन्टेस्ट में, जो कि मॉम्स मैजिक कुकिंग और टेम्प्टी कुकिंग ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आज की मेरी रेसिपी होली स्पेशल रेसिपी है, दही बड़े। आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड दही बड़े और फ्यूजन बड़े। इन बड़ों में एक के साथ तीन तीन फ्लेवर है। एक तो इसमें फ्लेवर है आलू बड़े का, दूसरा इसमें दही बड़े का फ्लेवर है और इसमें तीसरा फ्लेवर है पिज़्ज़ा का। तो ये तीन फ्लेवर हम कैसे एक ही बड़े में डालेंगे, उसके लिए हम शुरू करते हैं। फ्यूजन बड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले ये मूंग की दाल लेंगे। ये मैंने बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इसको हम अच्छे से दो से तीन बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। दाल को चार बार अच्छे से वॉश कर लिया, एकदम साफ पानी आ गया था इसमें। अब मैंने ये गर्म पानी करके रखा हुआ है, अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे और इसको 3 घंटों के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। ढक्कन लगा के हम इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं और अब हमारी दाल अच्छे से सोख हो चुकी है, एकदम अच्छे से सोख हो चुकी है। दाल में से पानी निकाल दिया है और इसको एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया। अब हम इसमें 3 हरी मिर्ची डालेंगे। ये थोड़ी स्पाइसी है इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें से वो जो हमने दाल में से पानी निकाला था उसी में से ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा ये एकदम स्मूथ पेस्ट बनके रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। इसमें हमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये होगा कि हमारे बड़े ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। बड़ों की स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले, मैंने ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हम मैश कर देंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है, उसको गर्म कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, 1/2 स्पून जीरा डालेंगे हम, गार्लिक, ये मैंने 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, 7 to 8, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रखा है। अब हम डालेंगे अनियन, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1 स्पून चिली पेस्ट, ये मैंने चिली पेस्ट डाला है, आप फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम में इसको सॉफ्ट होने तक, अनियन और गार्लिक को सॉफ्ट होने तक सेक लेंगे। अनियन गार्लिक अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे। मैं 1/2 स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 स्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/2 स्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, घर का बना हुआ ही गरम मसाला है ये, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं। जो ट्विस्ट है वो इन सिजलिंग से ही आएगा, इटालियन सिजलिंग यूज कर रहे हैं हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल पोटैटो, जिनको मैंने मैश कर रखा है, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर है, इसको ऐड कर देंगे हम। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, फाइनली चॉप कर रखा है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके बड़े बॉल्स रेडी करेंगे। इससे पहले हम इसमें चीज भी ऐड करेंगे, बट एक बार हम इसको ठंडा होने देंगे। अब ये हमारा बड़ों का स्टफिंग जो हमने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये 1/2 कप मैंने मोजरेला चीज लिया है, आप प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं इसमें, इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बिल्कुल ठंडा करके ही डालना है, नहीं तो चीज पहले ही मेल्ट हो जाएगा इसमें। अब हमने फ्रिज में से मूंग दाल का पेस्ट भी निकाल दिया है, आप देख सकते हैं हमें इतना ही थिक रखना है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट करके देख लीजिएगा। इसको मिक्स करके एक साइड में रखेंगे हम, और अब हम हमारे बड़े रेडी करेंगे। अब हम हमारे बड़ों के लिए स्टफिंग के बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम छोटा सा पोर्शन उठाएंगे और इसके इस तरह से बॉल रेडी करके हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे ताकि हमारी बड़ों की स्टफिंग रेडी हो जाए। बड़ों
बड़े रेडी कर लिए हैं, बॉल्स बना लिए इसके आलू के मसाले के। अब हम इसको मूंग दाल के पेस्ट में डीप करेंगे, इसको इस तरह से अच्छे से कोट करेंगे और इसको हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। फिर इसमें अच्छे से रोल करेंगे हम, इस तरह से हम सभी को रोल करके प्लेट में निकाल देंगे। अब हमने इस तरह से ये ब्रेड क्रम्स में लपेट के सारे बड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। अब ये तेल अच्छा गरम हो चुका है, हम इसमें एक एक करके बड़े डाल देंगे। अब हम इन्हें इस तरह से घुमाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अभी हमारे बड़े एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे और बाकी के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा फ्यूजन बड़ा बनके रेडी है। आप इस बड़े को सॉस और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे दही बड़े की तरह भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे दही, इमली की चटनी, हरी चटनी के साथ सर्व किया है और लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालकर गार्निश कर लिया है। तो आप भी इस फ्यूज़न बड़े की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दही बड़े को सर्व करने के बाद उसे 10 मिनट के लिए सोख ज़रूर होने दीजिएगा ताकि ये बड़े दही और इमली की चटनी को अब्सॉर्ब कर सके और इनका टेस्ट और भी बढ़ जाए।